प्रेगनेंसी वीक 19 यानी कि आप इस टाइम पे अपने गर्भावस्था के 19वें हफ्ते में हैं। 19वां हफ्ता यानी कि आपका अभी फिफ्थ मंथ चल रहा है और आप अपने सेकंड ट्राइमेस्टर में हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि इस हफ्ते आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, जो बेबी की डेवलपमेंट है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, और लास्ट में मैं दूंगी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आपके और आपके बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो आपकी जो ये गर्भावस्था की जर्नी है ये बिल्कुल स्मूथ जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेबी डेवलपमेंट के बारे में। तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इस टाइम पे जो आपका बेबी है वो है एक मैंगो के साइज़ के जितना, यानी कि एक आम के जितना, और अगर हम उसकी लेंथ की बात करें तो वो है लगभग 6 इंच के करीब, और अगर हम उसकी वेट की बात करें तो वो है लगभग 250 ग्राम। तो अब हम बात करते हैं जो इस हफ्ते आपकी बेबी के डेवलपमेंट में जो जो चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहली चीज़ है वर्निक्स कैसियोसा। वर्निक्स कैसियोसा यानी कि इस टाइम पे आपका जो बेबी है उसके हेड टू टो उसकी पूरी बॉडी में एक जो लेयर है वो कवर हो चुकी है। ये एक ग्रीस के जैसे या चीज़ की तरह चिकनाई वाली एक परत है जो आपकी जो आपके बेबी के पूरे बॉडी पे कवर हो चुकी है। तो इसका काम ये होता है कि सबसे पहली चीज़, क्योंकि अभी आपका बेबी के चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड है, यानी कि अगर आप खुद सोच लीजिए, अगर आप अपना हाथ 5 मिनट के लिए पानी के अंदर डालते हैं तो वो हाथ सिकुड़ जाता है, यानी कि उसमें रिंकल्स आ जाते हैं। तो ये परत है ये पूरी बॉडी में इसलिए है ताकि जो बेबी की बॉडी में है वो कोई भी रिंकल्स ना आए। जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि जो बेबी का बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। क्यों? क्योंकि हमारा टेम्परेचर कभी अप डाउन होता रहता है, तो क्योंकि बेबी को एक अच्छी स्मूथ जो एक वो टेम्परेचर मिले, इसलिए भी ये लेयर इस चीज़ में भी काम आती है। और अगर मान लीजिए कि अगर आपका बेबी थोड़ा जल्दी आ जाता है इस दुनिया में, तो वो जो लेयर है वो तब भी स्किन पे रहती है, बट अगर बच्चा टाइम पे होता है तो तब हमारी बॉडी अपने आप वो तब तक जो वो लेयर होती है वॉर्निक्स की वो उतर जाती है। तो अब हम बात करते हैं दूसरा जो डेवलपमेंट चेंज है वो है बेबी किक्स, या बेबी की जो फर्स्ट मोमेंट्स होती है उसको क्विकनिंग भी कहते हैं। तो डेफिनेटली मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी बात की थी, जो लास्ट वीक 18th वीक वाली वीडियो में थी, कि जो बेबी की क्विकनिंग वाला जो टाइम है वो डेफिनेटली अब आ चुका है। बट अगर आपको अभी तक बेबी की फर्स्ट मोमेंट्स फील ना नहीं हुई हैं तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपको 18th वीक से लेकर 22 वीक तक कभी भी बेबी की जो वो फर्स्ट वाली मोमेंट होती है वो फील हो सकती है। हालांकि ये इतनी हल्की होती है, जैसे आपको लगेगा कि कोई गैस का बबल हो या कोई आपके टमी में बटरफ्लाई हो, इस तरह की फीलिंग होती है। तो अगर आपको अभी तक फील नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपको डेफिनेटली बहुत जल्दी बेबी मूवमेंट जो है वो फील होने लगेगी। जो तीसरी चीज़ है फ्रेंड्स इस हफ्ते में जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो 18वें से 20वां हफ्ता होता है गर्भावस्था का, वो बच्चे के लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और वो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इस दौरान पे एक स्कैन होता है जिसको एनोमली स्कैन कहते हैं या फिर टारगेट स्कैन भी कहते हैं। तो इस स्कैन में क्या होता है, ये सोनोग्राफी होती है, और इस सोनोग्राफी में जो डॉक्टर है वो बच्चे का हेड टू टो पूरा इंटरनली जो उसके ऑर्गन्स हैं, जो उसकी नर्वस सिस्टम है, या उसके जो बॉडी के पार्ट्स हैं, वो हर एक चीज़ चेक करते हैं। लाइक लीवर है वो अच्छे से काम कर रहा है, हार्ट है वो अच्छे से बना है, फेशियल फीचर्स हैं वो अच्छे से बने हैं। तो ये सब चीज़ें इस स्कैन में चेक की जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आपने ये स्कैन नहीं करवाया है, और अगर आपका डॉक्टर ने इस स्कैन के लिए अभी आपकी इस बारे में बात नहीं हुई है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये स्कैन इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जन्म के बाद जो बच्चों में कई बच्चों में कुछ जैसे मानसिक दिक्कत होती है या फिर कोई किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी होती है, तो वो इसी टाइम पे पता चल जाता है। तो अगर ये आपकी रिपोर्ट सही आती है तो फिर आपको डेफिनेटली अपने बच्चे के लिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
तो आइए अब हम बात करते हैं जो इस हफ्ते आपके बॉडी में चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहला जो चेंज है वो है फ्रेंड्स लेग क्रैम्प। लेग क्रैम्प यानी कि आपकी टांगों में दर्द होना, क्योंकि आपकी बॉडी इस टाइम पे जो आपके बेबी का वेट संभाल रही है। तो आप मान लीजिए अगर आप अपने हाथों में 7-8 kgs का कुछ वेट उठाते हैं, आप उसको कितनी देर तक कैरी कर पाएंगे? डेफिनेटली 9 months तक तो बिल्कुल भी नहीं। तो बट आपकी जो बॉडी है, आपका जो यूट्रस है, वो डेफिनेटली उतना वेट 9 months तक कैरी करता है और उसका प्रेशर आपकी लेग्स के ऊपर भी पड़ता है, जिस वजह से आपकी लेग्स में पेन होती है। या फिर ये भी होता है कि आपके पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। तो अगर आपके पैरों में स्वेलिंग आ रही है तो प्लीज़ आप गर्म पानी में नमक डाल के अपने पैरों की उससे सिकाई कीजिए, तो उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और अगर आपकी जो पैरों की स्वेलिंग है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये और किसी चीज़ का भी साइन हो सकता है, लाइक आपको कोई और दिक्कत भी हो सकती है। इट्स नॉट अ गुड थिंग अगर रैपिडली आपका जो पैरों की स्वेलिंग है वो बढ़ रही है। तो उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है इंक्रीज एपेटाइट यानी कि भूख लगना। तो फ्रेंड्स प्रेगनेंसी में, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती होगी और आपका काफ़ी ज़्यादा फूड एवर्जन होगा उस टाइम पे, बट क्योंकि अब आप अपने सेकंड ट्राइमेस्टर में आ चुके हैं तो डेफिनेटली इस टाइम पे आपकी, क्योंकि अब बेबी भी आपका बढ़ रहा है, उसका साइज़ बढ़ रहा है, वो और स्ट्रांग हो रहा है, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है और ज़्यादा फूड की ज़रूरत है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार में ज़्यादा खाना ना खाएं। अगर आप दिन में 4 बार खाना खाते हैं तो आप चाहे 6 बार खा लें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पोर्शन खाएं। एंड प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करें। अगर कभी बहुत मन करता है किसी चीज़ को खाने का तो आप बेशक खा सकते हैं, बट अपना रेगुलर रूटीन में यानी कि रोज़ बिल्कुल भी जंक फूड ना खाएं और हेल्दी खाना खाएं, वो आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है कॉन्स्टिपेशन। तो डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन भी, जब से आपने कंसीव किया होगा उस टाइम से आपको कॉन्स्टिपेशन की काफ़ी दिक्कत रही होगी। तो मैं आपको कहूँगी कि अगर इस टाइम पे आपको कॉन्स्टिपेशन अगर ज़्यादा हो रही है तो उसका एक रीज़न हो सकता है आयरन की टैबलेट, क्योंकि अब आप अपने 19th week में है तो मोस्ट प्रॉबली आपका जो डॉक्टर है उसने आपको आयरन की टैबलेट ज़रूर प्रिस्क्राइब करी होगी। बट मैं आपको बता दूँ कि आयरन की टैबलेट की वजह से कॉन्स्टिपेशन में और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और आप उनसे उसका आयरन का कोई ऑल्टरनेटिव, फिलहाल जब तक आपको कॉन्स्टिपेशन सही नहीं होता तब तक के लिए आप कोई और अल्टरनेटिव उनसे पूछ लें। उसके बाद जो चौथी चीज़ है वो है इंक्रीज्ड मेलानिन। तो मेलानिन क्या होता है कि आपकी एक ब्रेन की ग्रंथि से जो मेलानिन है वो उसका सेक्रेशन होता है। क्योंकि अब आप प्रेग्नेंट है तो इस टाइम पे जो मेलानिन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मेलानिन क्या करता है, वो आपकी बॉडी को कलर देने का काम करता है। तो इस वजह से क्या होता है कि इस दौरान इस टाइम पे हो सकता है कि आपका जो स्किन का टोन है वो थोड़ा डार्क हो जाए, या फिर जो आपके स्ट्रेच मार्क्स जो अभी तक आने आपको डेफिनेटली शुरू हो गए होंगे वो भी अब आपको डार्क दिखने लगेंगे, या फिर जो एक हमारी नेवल के पास जो एक ऊपर से नीचे की तरफ को जो लाइन जाती है जिसको कि हम लीनिया निग्रिया के नाम से भी जानते हैं, वो भी अब डार्क होनी स्टार्ट हो गई होगी। तो ये थे फ्रेंड्स इस हफ्ते जो आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे। अब मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने जा रही हूँ और ये एक तरह का रिमाइंडर भी है। तो फ्रेंड्स अगर आपका अभी तक टिटनेस का टीटी का फर्स्ट इंजेक्शन नहीं लगा है तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द अपना टिटनेस का इस हफ्ते में फर्स्ट इंजेक्शन ज़रूर लगा दें। ये 2 इंजेक्शन लगते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर टिटनेस के, एक अगर आप अभी लगाते हैं तो दूसरा लगभग 15 दिन के बाद आपको लगेगा। तो अगर अभी तक आपका एक भी इंजेक्शन नहीं लगा है तो प्लीज़ इस हफ्ते में आप ज़रूर एक इंजेक्शन लगवा लें। तो और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है फ्रेंड्स वो है पानी। प्लीज़ अपने पानी की जो आप पीते हैं उसकी क्वांटिटी को अच्छा रखिए, उसको इंक्रीज़ कीजिए अगर आप कम पानी पीते हैं। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने अपने फ़ोन पे रिमाइंडर लगाया था, लाइक वो हर 1 घंटे में रिमाइंडर देता था लाइक टू ड्रिंक वाटर। आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर 1-2 बार स्किप भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस टाइम पर पानी आपके और आपके बेबी के लिए दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप भरपूर मात्रा
मात्रा में पानी पीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थे इस हफ्ते के अपडेट्स। तो अगर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई इशू है, अगर आपको कोई समस्या हो रही है किसी भी तरह की, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पर लिख के बता सकते हैं या फिर इस ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।